ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां शिवराज सिंह चौहान ने कसा कांग्रेस पर तंज। आगे बात करेंगे दिल्ली की, जहां भाजपा उम्मीदवार ने प्रचार के साथ मनाया अपना जन्मदिन। और चर्चा होगी उन्नाव की, जहां मरीजों को डॉक्टर लिख रहे बाहरी दवाएं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर भोपाल से, जहां यूथ कांग्रेस अब जल्द ही अपनी कार्यकारिणी का गठन करेगा। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने बताया कि आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की है। मितेंद्र सिंह ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव में व्यस्त हो गया था, जिसके चलते कार्यकर्ताओं से चर्चा नहीं कर पाया। आज सभी युवा कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। युवा के जैसी प्रतिभा होगी, उसे उसी प्रकार से कार्यशैली सौंपी जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि जो युवा की कार्यशैली के लिए सक्षम नहीं होता है, उसे ही कार्यप्रणाली सौंपी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस युवा की जैसी कार्यशैली होगी, उसी प्रकार से युवाओं को कार्य सौंपे जाएंगे। एवं मध्य प्रदेश में भी युवा वर्ग की सीढ़ी को हम मजबूत करेंगे। आगामी 4 जून के बाद हमारी क्या कार्यप्रणाली रहेगी, इस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक कड़ी के माध्यम से जानकारी देंगे। आइए जानते हैं इस विषय में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है। हमारा बेसिक मुद्दा है वो अपने भाइयों से एक मेल मिला कि मैं लोकसभा में व्यस्त रहा, मिल नहीं पाया, तो सभी भाई आए हैं मिलने के लिए। और आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके अंदर की क्या प्रतिभा है, उनके अंदर क्या टैलेंट है। कभी कभी हम प्रतिभा के अनुसार काम नहीं बांटते हैं। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो अगर प्रतिभा के आधार पर कार्य बांटा जाएगा तो उसकी ऊर्जा को और सही दिशा मिलेगी। तो मेरा ये प्रयास है कि आज प्रतिभा के अनुसार उस व्यक्ति को हम काम बांटें, उसकी प्रतिभा जाने और क्या संगठन में मुझे बदलाव करने की जरूरत है, मैं उनसे भी सीखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं आप मुझसे क्या इच्छा अपेक्षा करते हैं। तो एक वार्तालाप जहां हम एक तालमेल बनाना चाहते हैं। क्या रणनीति लेकर काम करने जा रहे हैं आप? वो जो रणनीति है वो जब 4 का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जब मैं पीसी करूंगा भोपाल में, उसमें वो रणनीति आपको बताऊंगा पूर्ण रूप से कि किस रणनीति के साथ हम आने वाले समय में हल्ला बोल करने वाले जी। ये सारा कार्य जब हम उस पीसी में आप बैठेंगे तब मैं उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि काम के आधार पे हम किस तरीके से नए संगठन में फेरबदल करने वाले हैं, क्योंकि अब जो भी होगा वो काम के आधार पर होगा और क्षमता के आधार पर होगा। क्योंकि एक अच्छी बात जो हमारे सीनियर्स ने भी अभी मुझसे कही, जो रिकमेंडेशन वो दे रहे हैं यूथ के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम नाम तो दे रहे हैं पर उनको आजमा लेना, उनसे काम करवाना और तब देखना कि उसमें वो शक्ति है तो हमें भी बताना, क्योंकि आज उनको भी एक अच्छे युवा कार्यकर्ता की जरूरत है। पता चले कभी कभी हम रिकमेंडेशन में खुद अपने सर पे एक बोझ ले लेते हैं कि उसका भी काम हमें ही करना पड़ता है। तो आजकल हर कोई काम बांटना चाहता है और सही युवा को सही जगह देना चाहता है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, बीजेपी अपने दम पर आगे बढ़ने में सक्षम। ये बयान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया था। इस बयान ने अब सियासी पारा चढ़ा दिया है। नड्डा ने कहा, अटल जी के समय पार्टी सक्षम नहीं थी, अब पार्टी अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम है। नड्डा के बयान के बाद कांग्रेस ने हमला बोला है। जी हां, कांग्रेस के मीडिया प्रमुख मुकेश नायक ने कहा कि जिनकी बैसाखियों पर चल कर बड़े हुए, जिन्होंने आपका लालन पालन किया, अब आप उन्हीं से कह रहे हैं कि आप बड़े हो गए हैं, थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए और उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। आडवाणी जी ने सजदा कर लिया था पाकिस्तान में जाकर जिना के मजार पर। शाम को सुदर्शन जी ने कह दिया शाम को कि अटल आडवाणी का युग खत्म हो गया है और भी हो गया है। आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो लेकिन कपड़े ना पहने हो, पूरे आभूषण पहने हो लेकिन निष्पण हो, शरीर में चेतना और जीवन ना हो, आरएसएस के बगैर बीजेपी शून्य है। जो भी शक्ति क्षमता है वो बीजेपी का दिया है और ये बीजेपी के नेता अगर कह रहे हैं और आरएसएस में अगर हाथ खींचे तो इनका वो हाल होगा जैसे पांव के नीचे जमीन चली गई है। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग मुकेश नायक ने क्या कुछ कहा। बीजेपी ने आप लोगों ने भी जरा ब्लॉक स्तर पर जो है आपने मंडलम सेक्टर वाली जो है बनाई दी गई थी जो 14% उसको बढ़ाना था, आप लोगों का जो मंडलम सेक्टर था ये थोड़ा सा आपको लगता नहीं है कि मतदान के चक्कर में जो है मतदान में करवाने में जो ज़्यादा वोटिंग करवाना था वो नहीं करवा पाए, क्योंकि बीजेपी का जो क्लस्टर सिस्टम था उन्होंने क्लस्टर प्रभारी बनाए थे मंत्रियों को इंदौर के जैसे जितनी सेवा, आपको लगता नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज कराने में पार्टी में थोड़ा सा जो कार्यकर्ता थे वो थोड़ा सा पीछे रहे सर मंडलम सेक्टर में? नहीं, उसका कारण ये है कि पिछले चुनाव में जिस तरह की पराजय का सामना करना पड़ा उससे कार्यकर्ता निराश था, वो निराशा उदासीनता में बदली
और उसका वोटिंग परसेंटेज पर प्रभाव गिरा। ये सही है बिल्कुल। छात्र संघ चुनाव बुरे तो अब इसके क्या मायने निकाले? इसके मायने ये हैं कि बीजेपी में नड्डा, अमित शाह और आडवाणी युग समाप्ति की ओर जा रहा है। चूंकि जब उच्च शिक्षा मंत्री थे मोहन यादव, उन्होंने प्रस्ताव भी बनाया था, हालांकि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे उन्होंने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था छात्र संघ चुनाव को लेकर। आप क्या मानते हैं सर, छात्र हर 10 साल से सुनते हैं कि छात्र संघ के चुनाव होंगे, फिर सुनाई दे रहा है कि छात्र संघ के चुनाव होंगे, जब हो जाए तब हमसे हमारे पास आइएगा। युवाओं की राजनीति की नर्सरी होती है सर ये, और होना चाहिए। हम सब लोग छात्र राजनीति से निकले हैं जी सर। मैं खुद कॉलेज का प्रेसिडेंट था, विश्वविद्यालय का था, फिर NSUI का प्रेसिडेंट बना, फिर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना। हमारी एक क्रमशः ग्रोथ हुई है, एक क्रमशः विकास हुआ है। हम लोग आसमान से नहीं गिरे, और इसलिए हम लोग जय पराजय के आलम्बन में हर परिस्थितियों में टिक जाते हैं, हार नहीं मानते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया था पिछले दिनों, कि उन्होंने कहा था कि अब पार्टी बड़ी हो गई है, RSS की जरूरत है। जिनकी बैसाखियों पे चलकर बड़े हुए, जिन्होंने आपका लालन पालन किया, अब आप उन्हीं से कह रहे हो कि आप बड़े हो गए हो। जेपी नड्डा को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, और उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। आडवाणी जी ने सजदा कर लिया था पाकिस्तान में जाके जिन्ना के मजार पर, शाम को सुदर्शन जी ने कह दिया था कि बीजेपी में आडवाणी और अटल युग खत्म हो गया, और हो गया। इन्हें पता, इन्हें इल्म नहीं है कि RSS के बारे में क्या बोल रहा है, उनकी क्या स्थिति बनने वाली है। क्या वाकई RSS की वजह बीजेपी चल जाएगी? आप ये बताइए, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो लेकिन कपड़े ना पहने हो, कोई व्यक्ति पूरे आभूषण पहने हो लेकिन निष्प्राण हो, शरीर में चेतना और जीवन ना हो, RSS के बगैर बीजेपी शून्य है। जो भी शक्ति क्षमता है वो बीजेपी की RSS है, और ये बीजेपी की नेता अगर गर्राए और RSS ने अगर हाथ खींचा तो इनका वो हाल होगा जैसे पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या मायने निकाले यार, जैसे आपने भी कहा सुदर्शन जी कह चुके थे कि अटल और आडवाणी। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सोनिया मैडम कह रही हैं कि मैंने भारत को राहुल गांधी सौंप दिया है। राहुल गांधी कोई बच्चे हैं क्या? 55 साल की उम्र हो गई है उनकी। उनके इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हमने हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक सब जीता है। राहुल गांधी की इमेज गिराना चाहती है भाजपा, इसी के चलते हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सोशल मीडिया पर। रायबरेली का चुनाव जीतेंगे राहुल गांधी और भाजपा के मुंह पर करारा चाटा मारेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की अच्छी संख्या में आएंगे और हम भाजपा के 400 पार के मंसूबों को नाकाम करके दिखाएंगे। आइए जानते हैं इस विषय में कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने आगे और क्या कुछ कहा। राजधानी गतिविधियों का केंद्र है यहाँ, नाइट लाइफ होना चाहिए। जो क्राइम करेगा उसको सजा दे देंगे, सरकार को सजा देना चाहिए तो क्राइम नहीं बढ़ता। गतिविधियां बंद करने का क्राइम से क्या संबंध है? आपके पुलिस की साइकोलॉजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, अच्छी गश्त होना चाहिए, कोई अपराध करे तो एक अच्छा उदाहरण रख के उस पर कार्रवाई होना चाहिए, दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, जो
नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, जिसको हम मॉलेस्टेशन कहते हैं, बलात्कार और उनकी असुरक्षा के मामले भारत में सबसे ज्यादा हैं और लगातार ये बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है और मुख्यमंत्री के हाथ में गृह मंत्रालय खुद है लेकिन वो देख रेख नहीं कर रहे हैं। कहाँ बंटाधार हुआ? हार जीत दोनों के नेतृत्व में हुई है, सभी नेताओं के नेतृत्व में होती है। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सब राज्य जीते। देखिए, अब राहुल गांधी की बहुत गंभीर इमेज इस देश में बन चुकी है और बीजेपी ने उनकी इमेज बिगाड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, खासतौर से सोशल मीडिया पे। लेकिन अब उनकी एक गंभीर और एक अच्छी परसेप्शन देश की जनता के बीच में उनकी बन चुकी है, उनके वास्तविक व्यक्तित्व को, उनके वास्तविक व्यक्तित्व को और असली राहुल गांधी को लोगों ने देख लिया है। अब कुछ नहीं होने वाला। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर नई दिल्ली से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर पश्चिमी लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार योगेंद्र चांदोलिया ने चुनाव प्रचार के साथ साथ अपने जन्मदिन को मनाने के लिए किन्नर समाज के लोगों को बुलाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, जिसको लेकर उत्तर पश्चिमी लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार योगेंद्र चांदोलिया ने मोदी जी के आह्वान पर सबका साथ सबका विकास को लेकर आज अपनी लोकसभा में सभी किन्नर समाज व किन्नर अखाड़ों के महंतों को बुलाकर जिताने की अपील की। किन्नर अखाड़े व समाज के लोगों ने चांदोलिया जी को हार पहनाकर स्वागत किया, साथ ही राम भक्त हनुमान जी को गदा भेंट स्वरूप दी और राम भजन गाकर अपना आशीर्वाद दिया। आइए जानते हैं इस विषय में किन्नर अखाड़े से पूनम दीदी ने और चांदोलिया जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। आज आप लोग आशीर्वाद देने आए हो? जी जी, अयोध्या जी को जी। और क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत इनको दिल्ली से जिताना चाहते हैं। हम सारे किन्नर जितने समाज से आए हैं, इन्वाइट किए हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आज बहुत खुशी की बात है कि आज किन्नर समाज को याद किया। क्या आज भी आप भी जाएंगे जो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं उनके समर्थन में? बिल्कुल, जब हमें बुलाया गया है तो जाएंगे जरूर। नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग भी खड़े हैं, वोट के लिए हर जगह हर समय में हम लोग भी है, किन्नर समाज भी है। बस अरे बस सौभाग्यशाली हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और किन्नर समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है और ये आशीर्वाद देने तब जाते हैं जब घर में खुशी होती है। तो आज मुझे आशीर्वाद हो गया और मेरे चुनाव जितने भी आशीर्वाद दे दिया है, ये अद्भुत कार्यक्रम है। वही अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहाँ रोड शो कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली में। कौन पूछ रहा है उनको? खत्म हो गया मामला। ये एक करप्ट है, एक करप्ट है, भ्रष्ट है और करेक्टर का भी करेक्टर है और दूसरा बच्चा है। यानी कि आज किन्नर समाज नरेंद्र मोदी के समर्थन में जाएंगे? हाँ, मैंने कहा है वो जाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने भगवा को लेकर बयान दिया था, ब्राह्मण जी जो है सीता को लेने के लिए भगवा में आया था, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, कांग्रेस से कुछ भी कह सकती है, वो तो रावण वाली पार्टी है। रावण रावण उनको तो भगवा से चिढ़ है, वो तो रावण पार्टी है। देखो, रावण रावण ब्राह्मण थे। 25 तारीख को वोट है, आप जनता को क्या संदेश दें? दिल्ली की जनता को संदेश यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दें और हमें भारी मार्जिन से जिताएं। जैसे जैसे चुनाव की डेट नज़दीक आ रही है और देखा जा रहा है समाज, हर समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए जनता पूरा आक्रोश हुई भी है और प्यार भर रही है। और हमारे सारे किन्नर समाज के लोग हैं, पूनम जी हैं, उनसे बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत हमारे चैनल में आपका जी। क्या कहना चाहोगे? और आज लोग आप एकत्रित हो रहे हो और उनको चंदेली जी को आशीर्वाद देना है, क्या कहना चाहोगे जी? देखिए, आपने पहले भी देखा होगा, आप तो न्यूज़ चैनल वाले हो,
कि आज तक कोई भी कैंडिडेट चाहे कोई भी हो आज तक किन्नर समाज को कहीं भी याद नहीं करा होगा। आज मेरे योगेंद्र चंदौलिया जी ऐसे हैं प्रथम कि आज किन्नर समाज को अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में और अपने भोजन करने के लिए किन्नर समाज को याद करा। और नर और नारी पुरुष और महिला को सब पूछते हैं, सारे पार्टियों में सब चीज़ में पूछते हैं, लेकिन आज पहली बार किन्नर समाज को याद करे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये मेरे मोदी जी के राज में हुआ है, अगर मोदी जी मेरे नहीं रहते तो आज ये नई नौमत आती, मैं यहाँ नहीं आती। मेरा एक सवाल है पॉलिटिकल लेकर, देखे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं और सभा भी कर रहे हैं, अभी हाल ही में जेल से निकल के आए और देखा है जो फ्री योजना दे रहे हैं जनता को, कहते हैं फ्री योजना दे तो जनता का भला होगा, क्या आप लोग इस पे समर्थन देंगे, क्या करेंगे? देखिए जी, फ्री योजना के लालची नहीं है जनता, जनता अपने मेहनत के कमाई पे है निर्भर है। आप तो जनता को फ्री दे के उनको आलसी बना रहे हो, निकम्मे बना रहे हो, फ्री नहीं चाहिए जनता को, जनता अपनी मेहनत पे है, चाहे वो 10 रुपये कमाएगा, 1 रुपये खाएगा, 9 रुपये जोड़ेगा, वो अपने बलबूते पे है, किसी को जनता को फ्री की ज़रूरत नहीं है जी। तो क्या लगता है जो अभी 4 मई को जो रिजल्ट आएगा पूरे देश में भगवा लहराएगा दोबारा? भगवा लहरा गया, लहराने की ज़रूरत नहीं है, भगवा तो लहरा गया है, अब खाली ज़रूरत है कि वो भगवा जो लहरा हुआ है ना उसका हवा हमारे तक आएगा कि भगवा की महक आ रही है। भगवा तो लहर गया, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ जब भी भगवा लहर गया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में लहराने की ज़रूरत नहीं, भगवा तो आ ही गया है और 400 से पूरा ही होंगे, पार हो जाएंगे मोदी जी, यानी आप लोगों के आशीर्वाद से 400 पूरा पार होंगे। जी जी, हमारा ये जो समाज है और जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं 400 पार का आशीर्वाद हम दे रहे हैं, और क्या लगता है जो 4 मई को जो रिजल्ट आएगा वो देश का प्रधानमंत्री दोबारा नरेंद्र मोदी जी बनते हैं नहीं? कैमरा अंकित के साथ दीपक कुमार, C12 न्यूज, दिल्ली। खबर उन्नाव से, जहां जनपद के बांगरमऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर सी न्यूज भारत चैनल द्वारा ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की गई, जहां टीम ने पाया कि कई मरीजों को अस्पताल से बाहर की दवाएं लिखी गई हैं। अस्पताल के बाहर दवा की दुकानों पर मरीजों की भीड़ थी, उनके हाथ में अस्पताल के पर्चे थे और वो लोग दवा खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर पर खड़े थे। मरीजों के तीमारदारों ने बताया कि जो डॉक्टर साहब ने दवा बाहर से लिखी है वो खरीदने आए हैं। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ में तैनात डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाई लिखना मरीजों को भारी पड़ रहा है, जबकि लगातार बदलते मौसम के कारण मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। सरकारी अस्पतालों में रुपए खर्च कर पाने में असमर्थ लोग ही अपना इलाज कराने आते हैं, जिन्हें सरकारी दवाई ना देकर अधिक कमीशन की महंगी दवाई लिखी जाती है। इसका नज़ारा बांगरमऊ CSC में भी देखने को मिला, जब कई मरीजों को डॉक्टरों द्वारा सादे पर्चों पर बाहर मेडिकल स्टोर से दवा लाने के लिए लिख दिया गया। डॉक्टरों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ के पर्चे के साथ एक अलग से दवा लाने के लिए पर्ची बना दी, जिसे मजबूरन मरीज लेकर सामने मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाइयों को खरीद रहे थे। ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी सफीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाइयां लिखने का पर्चा वायरल हुआ था। इसके पश्चात जिला अस्पताल उन्नाव में जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान बाहर से दवा लिखने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पर कार्यवाही भी की गई थी। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए थे दवा लेने, कौन कौन सी दवाई दी गई और क्या बाहर से भी दवाई लिखी गई? बाहर की का लिखी किसने लिखी है दवाई? डॉक्टर का नाम जानते हो? डॉक्टर का नाम नहीं जानते हो? बांगरमऊ उन्नाव से CNews संवाददाता सुशील के साथ अजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए CNews भारत।